हम लोग आ गए ये परपटिया सनसेट पॉइंट, जो मैन पार्ट से करीब करीब 30 किलोमीटर है, लगभग पूरा एक घंटा लगा है हमें। तो ये परपटिया व्यू पॉइंट जो है ये मैन पार्ट से करीब 30 किलोमीटर के आसपास है, तकरीबन एक घंटा हमें लगा पहुंचने में जो स्कूटी हमने हायर की है। और यहाँ पे सीन क्या है, एक बड़ा सा व्यू पॉइंट ऐसा बनाया हुआ है, पीछे पूरे नज़ारे आपको दिखेंगे, एक के बाद कई सारे पहाड़ हैं, पीछे एक डैम भी है। अभी फॉग बहुत ज़्यादा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो फॉग में क्या होता है दिखता नहीं है, फॉग में क्या होता है पूरा जो धुआं है वो पहाड़ को कवर कर लेता है, तो पीछे का जो सीनिक व्यू है वो उतना नज़र नहीं आता। जैसे अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो वो जो पहाड़ है वो दिख रहा है, उसके पीछे भी पहाड़ है बट वो नहीं दिखेगा क्योंकि फॉग से पूरा छुपा हुआ है। बट यहाँ पे क्या है, नज़ारे बड़े अच्छे हैं, ठीक ठाक से व्यू आपको मिलेगा, पीस है, शांति है, सुकून से अगर बैठना है आपको तो आराम से आप आधा एक घंटा यहाँ बिता सकते हैं। पीछे की तरफ वो रिजॉर्ट है, एक बारी वो पता करते हैं, हालांकि कोई दिख तो रहा नहीं यहाँ पे, कि वो फॉरेस्ट वालों का है या टूरिस्ट के लिए है क्या है, एक बार वो दिख सकते हैं। यदि यहाँ रहने का कोई जुगाड़ है रहने का, तब तो मज़ा है, आप एक दिन के लिए दो दिन के लिए बढ़िया यहाँ पर बुक कीजिए, रहिए, खाना पीना सब कुछ यहाँ पर यदि मिलता है तब तो बहुत बेस्ट जगह है। वो जो रिजॉर्ट है वो फॉरेस्ट वालों का है क्या? जी। तो टूरिस्ट टूरिस्ट के लिए देते हैं? देंगे। क्या पैसा लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं? तो रहने के ऊपर है। मतलब देते हैं अगर कोई, खाना पीना कैंटीन वगैरह है? एक बार दिखाओ। खाना पीना अभी चालू नहीं हुआ, अभी नहीं चालू हुआ है, कब होगा? अब रुकेंगे तब ना व्यवस्था बनाएंगे। अच्छा, मतलब जब कोई रुकता है तो आप ऑर्डर पे बना देते हो? जी। ऐसा है। तो आप फॉरेस्ट की तरफ से हो? क्या नाम है आपका? राम दुलारिया। देखिए हमने बात की है ना, तो ये एक रेस्ट हाउस हमें दिखा रहे हैं बस जस्ट देखने के लिए, कभी रुकना हो या आप लोगों में किसी को कभी रुकना हो तो क्या कैसे है यहाँ पे वो देखने आए हम लोग। ये रेस्ट हाउस है, बढ़िया है यार, ये तो बड़ा शानदार सा है। पंखा नहीं लगा है? अच्छा, खैर पंखा तो लग जाएगा। ये डबल बेड हो गया, ये देखिए पूरे सोफे हो गए, ये पूरा रूम, इधर वॉशरूम है ना, बढ़िया, अच्छा डबल बाथरूम है, सही है। 1500 में और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे 1500 में? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यदि आप यहाँ रहते हैं तो यहाँ आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो यदि आपने यहाँ पे स्टे किया तो ये पूरा देखिए चारों तरफ जो मैदान है, और इधर से पूरा आपको व्यू पॉइंट मिलता है, एक तो उस तरफ है जहाँ हम लोग दिखा रहे थे, और इधर भी बढ़िया क्या है माहौल बनाने के लिए, बढ़िया ये आपका रूम हो गया, यहाँ बेहतरीन कुर्सी वर्सी बिछाओ, टेबल बिछाओ, और बाकी तब बताइए, आपको बताने की ज़रूरत थोड़ी है। तो मैन पार्ट में कुछ अलग करना चाहते हैं आप तो यहाँ से 30 किलोमीटर ये परपटिया व्यू पॉइंट आइए, यहाँ पे रुकने का आपको इंतज़ाम हो जाएगा, अच्छा ग्रुप में हैं, फैमिली के साथ भी हैं, कपल्स हैं, सबके लिए बड़ा ही शानदार है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करिए। नेक्स्ट टाइम मैं कभी आया अपने ग्रुप से ना, एक बार पक्का है एक दिन ज़रूर रुकूँगा, देखूँगा, बिकॉज यहाँ का जो व्यू है, जहाँ यहाँ का जो माहौल है ना, बड़ा ही अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों मैन पार्ट सीरीज़ का ये हमारा आखिरी वीडियो था, आखिरी एपिसोड था, अब यहाँ से फाइनली हमारा मैन पार्ट सीरीज़ ख़त्म हो रहा है फिलहाल के लिए। अब हम क्योंकि वापस हमारी शाम की ट्रेन भी है अंबिकापुर से, तो अब हमें अंबिकापुर के लिए निकलना भी है। बाकी ये पूरी मैन पार्ट सीरीज़ और स्पेशली ये वीडियो आपका परपटिया व्यू पॉइंट का कैसा लगा आपको, मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए, इस चैनल पर भी आप नए हैं तो चिया कुटुली को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।